आप एन टी एट की प्रिपरेशन कर रहे हैं परफेक्ट वीडियो बिकॉज यहाँ पर हम लोग पेपर वन के अलग अलग यूनिट लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन आईसीटी इन सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई कुड से बास इज एवरीथिंग वोट मी अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं आई एम मेकिंग वीडियोज़ फ्राम ट्वेंटी सेवेंटीन एंड आई एम द ओनर एज वेल एज द मैनेजर ऑफ़ द चैनल लर्निंग टू लर्न जॉब अभी देख रहे हैं राइट नाउ उसके अलावा आई हैव क्लियर माई आई पी सी सी फर्स्ट ग्रुप देन आई हैव क्लियर माई नेट इन दिसंबर ट्वेंटी नाइनटीन आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट आई एम इन सी एस फाइनल ये मेरे सारे क्वालिफिकेशनस हैं एंड आई हैव टोटल ऑफ राइट नाउ मोर देन इलेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अ कॉर्पोरेट जॉब एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट मी एंड आई एम ऑल्सो अ वेरीफाइड एजुकेट ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे हेल्पिंग हैंड अवार्ड भी मिला था फॉर द मोस्ट डाउट सॉल्विंग सेशन टेक इन ऑन अन अकेडमी सो अन अकेडमी इज इंडियाज़ ऑनलाइन लीडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप एन डी ए यूजीसी नेट और बाकी अलग अलग एग्जाम्स की प्रिप्रेशन कर सकते हैं राइट नाउ देर इज़ एन ऑफर विच इज़ गोइंग ऑन ऑन अन अकेडमी दिस इज़ अ वेरी यू कैन से गुड ऑफर यहाँ पर ट्वेंटी uh, नाइन जुलाई से पहले पहले अगर आप अन अकेैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन यूज़ अदिति रेफरल कोड अगर आप अदिति लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो ही आपको ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट मिलेगा विदाउट रेफरल कोड यू विल नॉट बी एबल टू अवेल दिस डिस्काउंट ओके सो मेक श्योर यू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट बिफोर ट्वेंटी नाइन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू ओके एंड वी आर हैविंग वेरियस यूट्यूब वीडियोज़ ऑन पी एच डी अगर आप एन टी ए कर चुके हैं uh, या यू जी सी से आपने सेट एग्ज़ाम क्लियर किया है या नेट क्लियर क्लियर किया है, जे क्लियर किया है तो पीएचडी रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल होंगे सो आई हैव स्टार्टेड अ स्पेशल सीरीज़ जो मैं संडेज़ को अपलोड करती हूँ तो यू कैन वेट फॉर संडेज़ एट 9 पीएम फॉर दिस क्लासेस, यूजुअली संडेज़ को ही 9 पीएम पे मैं पब्लिश uh, करती हूँ सो आई हैव गिवन यू अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ टू अप्लाई फॉर पी एच डी लाइक वॉट आर द बेसिक्स एंड सेकेंड हाउ टू फाइंड करेक्ट यूनिवर्सिटी फॉर पी एच डी इस संडे हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड विच यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड स्टाइफिन टू डू द पी एच डी ओके इवन अगर आपका जे आर एफ क्लियर ना हो तो भी सिर्फ नेट क्लियर होने के बावजूद देर आर वेरियस यूनिवर्सिटीज़ हु आर गोइंग टू प्रोवाइड यू स्टाइफिन द नेक्स्ट वन इज यस हमने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे ये हमने सीरीज uh, जो ये सीरीज है इसके पार्ट वन में कर लिए थे वी हैव डन सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हों तो ऊपर यहाँ पर इस साइड पे एक आई सेक्शन आएगा इस आई सेक्शन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और आपको पूरा प्ले मिल जाएगा ओके ना मूविंग फॉरवर्ड यस हम यहाँ से नया स्टार्ट करेंगे सो दिस इज बेसिकली पार्ट टू of our uh, intensive practice intensive practice for paper one right so let's get started this is the first question for you uh, questions सबसे पहली बात मैं आपको format बता देती hu अगर if you are not very aware about the format uh, we have a uh, क्वेश्चन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी तो आप आराम से पढ़ सकते हैं दोनों क्वेश्चन के कोड यहाँ पर दे रखे हैं तो आपको कोड्स यहाँ से देखने पड़ेंगे ठीक है तो आप आई गिव यू फर्स्ट टू मिनट्स आप दो मिनट के क्वेश्चन को देखिए समझिए एंड देन आई विल रीड आउट द इंटायर क्वेश्चन एज वेल एज आई गिव यू द आंसर्स ठीक है तो दो मिनट ऑफकोर्स ये मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो आप या तो फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन जल्दी पढ़ लिया तो ठीक है और एल जू कैन रीड द क्वेश्चन केयरफुल बट याद रखिएगा क्वेश्चन का एक एक स्टेटमेंट पढ़िए कभी कभार आइडेंटिफाई द करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा होता है और हो सकता है आपने ढंग से नहीं पढ़ा हो या जल्दी जल्दी पढ़ लिया हो तो आप गलत आंसर दे सकते हो सो नॉट टू डू दैट मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ठीक है जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन आई गिव यू एग्जैक्टली वन मिनट सॉरी ओके सो वन मिनट हैज फास्ट अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाती हूं प्राइम टाइम इज इक्वल्स टू और द मीनिंग ऑफ प्राइम टाइम इज टाइम ऑन विच मीडिया हैज द लार्जेस्ट ऑडियंस ऑल्टरनेटिव मीडिया यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीच डिफरेंट मीडियम पार्टिसिपेटरी मीडिया प्रोड्यूस वाइड वेराइटी ऑफ कंटेंट लाइक ऑन एफ बी फेसबुक एंड व्हाट्सएप पब्लिसिटी इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन नो इट इज़ अ नॉन पेड फॉर्म तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाता है दिस इज एक्चुअली अ नॉन पेड फॉर्म याद रखेगा इवन मार्केटिंग में भी अगर आप पढ़ेंगे पेपर टू आपका कॉमर्स हो या मैनेजमेंट हो तो ये नॉन पेड फॉर्म होता है ठीक है तो ऑफकोर्स पब्लिसिटी का इट इज अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व गेटिंग फेवरेबल रिस्पॉन्स ऑफ बायर्स बाय प्लेसिंग कमर्शली सिग्निफिकेंट न्यूज इन मास मीडिया ये लो जर्नलिज्म स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग ज्यूरिंग एटीन नाइनटीज Including uh, used melodrama, romance, hyperbole to sell millions of newspapers. So this is of course true. So correct answer is one, two, three, and uh, sorry, one, two, three, and five. Yes. So B is the right answer. Okay. Yes, this is the right answer. Let's move forward. I'll give you one minute exact to read the question. Okay, and then I'll start. याद रखेगा एन टी ए यू जी सी नेट के एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सो यू शुड टेक मिनिमम थर्टी सेकेंड्स मिनिमम थर्टी सेकेंड्स टू रीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं उसको आप थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि आप कोई भी गलती इसमें ना करें ये बात आप बहुत ध्यान रखें ठीक है सो so, यहाँ पर मैं आपको फोर्टी फाइव सेकेंड्स तक का टाइम दूँगी फोर्टी फाइव सेकेंड से वन मिनट तक का आ, तो आप पढ़िए आराम से एंड देन थिंक ऑफ एन आंसर ओके okay. द मैं अभी क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ फटाफट ओके आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अब आप क्वेश्चन इसीलिए ध्यान से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जा सकता है सही कौन सा है और गलत कौन सा है और यहाँ पर गलत पूछा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज बाई हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर इन दर नाइनटीन एटी थ्री इन द फ्रेम द बुक्स ऑफ माइंड ओके सो थ्यूरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस करेक्ट है ठीक है यहाँ पर हमें इनकरेक्ट पता करना है तो मैं इसको फटाफट है ना आपके लिए येस वन सेकेंड सो दिस इज करेक्ट हमें ये नहीं चाहिए मिटा कॉग्नेशन इज अ प्रेस ऑफ थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग सो सॉरी अल मुझे थोड़ी सी सर दिया दिस इज ऑल्सो ट्रू माइक्रो टीचिंग इज अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्नर वेर स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूस टू कंटेंट एट होम एंड प्रैक्टिस वर्किंग थ्रू स्कूल नहीं ये गलत है क्यों क्योंकि माइक्रो टीचिंग इज टीचर्स ट्रेनिंग माइक्रो टीचिंग क्या है बेटा ये टीचर्स के ट्रेनिंग से रिलेटेड है तो ये स्टेटमेंट गलत है ब्लेंडेड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स आर इंट्रोड्यूसड टू कंटेंट एट होम एंड प्रैक्टिस नहीं ये गलत है ब्लेंडेड uh, लर्निंग अगर आपको ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में नहीं पता तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के uh, का मिश्रण है तो ऑनलाइन टीचिंग प्लस ऑफलाइन टीचिंग को आप ब्लेंड करते हैं ठीक है तो उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं और माइक्रो टीचिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ठीक है तो ये ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के बारे में बात कर रहा है तो थर्ड और फोर्थ गलत है तो आपका आंसर आना चाहिए बी इसलिए आप प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछ रहा है ठीक है सो दिस इज द राइट आंसर यस ऑफ कोर्स इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नल हाइपोथेसिस सो आई गिव यू अगेन थर्टी टू फोर्टी फाइव सेकंड जस्ट थिंक ऑफ इट एंड गिव द आंसर ओके okay. यहाँ पर पूछा है उन्होंने थर्टी सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है ठीक है तो करेक्ट स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे किससे रिलेटेड नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड इन्होंने पूछा है तो नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है बोथ वेरिएबल्स आर इक्वली क्लासिफाइड यस दोनों इक्वल माने जाते हैं नो डिफरेंस बिटवीन सिचुएशन टू सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस दिस इज ऑल्सो ट्रू फर्स्ट ट्रू है सेकेंड ट्रू है देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ड्रग ए और बी ये भी सही है ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथिस नल हाइपोथिस नल हाइपोथिस के ऑपोजिट कैसे हो सकता है तो ये गलत है ड्रग ए इज़ मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू ड्रग बी ये भी गलत है क्योंकि हम लोग दोनों को इक्वली मान रहे हैं ओके इट इज रिप्रेजेंटेड बाई हेच वन नो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई हेच ओ दैट इज ट्रू इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये राइट तो यहाँ पर ऑप्शन वन टू थ्री सेवन और एट सो वन टू थ्री सेवन और एट दिस इज द राइट आंसर दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको नल हाईपोथिसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथिस के बारे में कुछ भी पता है देन दिस बिकम्स वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ अराउंड फोर्टी सेकेंड्स थर्टी फाइव टू फोर्टी सेकेंड्स ओके आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एन ए पी सी सी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज अगर आपको इसका फुल फॉर्म नहीं पता ठीक है सो दिस इज नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ठीक है अब यहाँ पर उन्होंने आठ मिशन दिए हुए हैं एंड नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में आठ मिशन ही होते हैं सो वी हैव नेशनल सोलर मिशन वी हैव नेशनल मिशन फॉर एनहैंस एनर्जी एफिशियंसी वी हैव नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट वी हैव नेशनल वाटर मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम ग्रीन इंडिया मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू सो द आंसर शुड बी ऑल ऑफ़ द अबाव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओके दिस इज गोइंग टू टेक टाइम तो सोचिए समझिए आंसर कीजिए अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आते सो जस्ट यू कैन वेट फॉर फोर्टी सेकेंड्स एंड देन आई टेल यू द आंसर ओके okay. अगर आपसे सॉल्व हो गया हो देन इट्स वेरी वेरी नाइस बट अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ हो सो लेट मी एक्सप्लेन एंड लेट अस गेट द राइट आंसर आउट ऑफ इट ठीक है तो सबसे पहले लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस सबसे पहले ये फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं क्योंकि सबसे छोटा है तो हमें अगर डेसिमल से बाइनरी करना है सो वी विल डिवाइड एवरी थिंग ठीक है सो टू टू ज एक बज गया टू वन uh, नहीं बचा सो so नीचे से ऊपर लेके जाना है तो वन जीरो तो निकला फिर let's try for 15. Uh, five 14, एक बच गया, सॉरी टू आई रियली सॉरी टू आएगा यहाँ पर ओके टू से फोर्टीन एक बच गया टू थ्री ज़ सिक्स एक बज गया टू वन ज टू एक बज गया ठीक है सो so, ये नीचे से हम ऊपर लेके जाएंगे ट्रिपल वन वन ओके द सेम थिंग गोज़ फॉर फिफ्टी फिफ्टी भी फिफ्टी से पहले ट्वेंटी फाइव ट्राई करते हैं जस्ट यूज ट्वेंटी फाइव योर ओके टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर तो एक बज गया टू सिक्स ज ट्वेल्व कुछ भी नहीं बचा टू थ्री जिक्स कुछ भी नहीं बचा टू वन ज टू एक बज गया तो ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे डबल वन डबल ज़ीरो वन ठीक है तो ये भी सही है ठीक है तो ये तीन तो सही हो गए आ, अब बचा फिफ्टी मैं इसको नेक्स्ट पेज में इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है ठीक है बट ऑल ऑफ़ दबाउ इज़ ट्रू क्योंकि बाकी सारे सही हैं मैं फिफ्टी और फिफ्टी फाइव का भी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ अगर किसी को भी इसके कैलकुलेशन नहीं समझ में आए हैं या डिटेल में आपको अलग से वीडियोस चाहिए इसके तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा सो दैट आई कैन मेक वीडियोस ऑफ दीज आल्सो ओके आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग मिस्टेक्स दिस मनी बट ओके सो सॉरी 50 और 55 ओके सो टू टू ज फोर टू फाइव ज टेन राइट कुछ भी नहीं बचा टू ट्वेल्व ज ट्वेंटी फोर एक बज गया टू सिक्स ज ट्वेल्व कुछ भी नहीं बचा टू थ्री जिक्स कुछ भी नहीं बचा टू वन ज टू जीरो सो ये लास्ट वाले का ही है बट अल्टीमेटली नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे सो द सोल्यूशन फॉर दिस वुड बी वन ट्रिपल ज़ीरो वन ज़ीरो ओके फिफ्टी का डबल वन ओ सो सॉरी टू टू वन ज टू वन गया सो वन ओके सो डबल वन डबल ज़ीरो वन ज़ीरो फिफ्टी का तो सही आ गया तो ये भी सही हो गया हमारा लास्ट में जाके इसको भी टिक कर देती हूँ दैट येस दिस इज़ ऑल्सो राइट लास्ट बच गया हमारा फिफ्टी फ़ाइव सो टू टू जो फोर एंड टू सेवन जो फोर्टीन ओके फिर भी एक बच जाता है ओके देन मैंने टू टू जो फोर किया एक बज गया यहाँ पे रखा टू सेवन जो फोरटीन यहाँ पे रखा ठीक है आई होप आपको समझ में आऊँ टू वन जो टू टू सेवन जो फोरटीन टू टू जो फोर टू थ्री जो सिक्स फिर भी एक बचेगा टू सिक्स जो ट्वेल्व फिर भी एक बचेगा टू थ्री जो सिक्स कुछ भी नहीं बचेगा टू वन ज टू एक बचेगा ठीक है सो डबल वन ज़ीरो ट्रिपल वन येस दिस इज़ द राइट आंसर ओके सो इनमें सारे सही हैं मैंने आपको सारे कैलकुलेट करके दिखाए यहाँ पर और याद रखिएगा नीचे से आप ऊपर काउंटिंग करेंगे ऊपर से नीचे नहीं ठीक है सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी आई होप दिस वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाउ अभी हमने चेक किया राइट लेट्स लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स प्लीज याद रखिएगा रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली मैं ये बहुत स्ट्रेस करके आपको बता रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट अगर आप वो ही नहीं पढ़ पाए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत आ जाएगा यहाँ पर गलत कथन का गलत uh, कथन की पहचान करें ओके सो आई गिव यू थर्टी सेकेंड्स नाउ ओके okay. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया हो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग क्या है बेटा ब्रॉडकास्टिंग को मतलब क्या है कि आप बहुत सारे लोगों को वो बात बता रहे हो ठीक है आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो तो देर इज़ सॉरी इन विच देर इज नो नॉट रिस्ट्रिक्शंस ऑन हु कुड वॉच सो दिस इज़ ट्रू फाइन ये सही हो गया सिंक्रनस कम्युनिकेशन इन दिस कम्युनिकेशन मैसेज इज डिलेड नो सिंक्रनस में डिले नहीं होता असिंक्रनस में डिले होता है इन दिस कम्युनिकेशन द मैसेज इज स्ट्रीम्ड इन रियल टाइम नो असिंग में डिले होता है तो ये दोनों उल्टा दिखा है कैन सिस इज अ कम्युनिकेशन दैट प्राइमरीली यूज टू इंफ्लुएंस ऑल परजुएट ऑडियंस फॉर फर्दर एजेंडा नो इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बेसिकली आपके बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है या इट विल बी रिलेटेड टू यर जेस्टर्स एंड पोस्टर्स दैट वन फाइन द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर गैंडा इन दिस सर्टन बॉडी मूवमेंट्स नो प्रोपर गडा का मीनिंग जो कैनिस में लिखा हुआ है ना वो है इट इज़ अ कम्युनिकेशन दट प्राइमली यूजेज टू इन्फ्लुएंस एंड पर्जुएट द ऑडियंस ठीक है तो उसे हम प्रॉपर गेंडा कहते हैं सो जो आंसर रॉन्ग है वो है टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पर आई थिंक ये ऑप्शन गलत हैं वहाँ पर यस ये सही है यहाँ पर ऑप्शन सही है टू थ्री फोर एंड फाइव बी इज द राइट आंसर ओके आई होप आपको ये समझ में आया so, हूँ सो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए एंड आई थिंक ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो आपकी एन टी यू जी सी नेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी नाउ लेट यू गाइज हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो और मैं इसी तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी विच विल हेल्प यू टू

मेक श्योर sure, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एज वेल एज यू कैन शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स टू हेल्प देम आउट ओके टेक गुड केयर ऑफ सेल्स बाय